मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के हम अपने शॉर्ट वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 11 को। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया गया है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स प्लस 4 डी एक्स। अब हम इसे कैसे सॉल्व करें? इसको सॉल्व करने के लिए अब एक्स प्लस 4 को हमें क्या मानना होगा? टी मानना होगा। हम यहां लिख सकते हैं कि माना कि टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, और जो दिया गया टर्म है, दिया गया जो क्वेश्चन है, इसको हमने 1 मान लिया। अब क्या करें कि एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर अब दोनों तरफ x के सापेक्ष हम लोग क्या करें? अवकलन करें। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, वी हैव, हमें क्या मिलेगा? dt अपॉन dx इज इक्वल टू dx अपॉन dx, और यहाँ संख्या है तो ये 0 हो जाएगा, उसे हमें छोड़ देना है। तो हमें प्राप्त होगा कितना? और dx से कटा 1 हुआ, dx का मान किसके बराबर हुआ? dt के। अब क्या करना है? इस dx का मान हमें 1 में पुट करना है, साथ ही साथ x का मान पुट करना है और x प्लस 4 का मान पुट करना है। यानी कि जितना x के टर्म में यहाँ दिया गया है, उन तमाम चीज़ों को हमें t के टर्म में लाना है। तो यहाँ पे लिखें, एक में किस किस चीज़ का मान रखें जी? x, फिर होगा क्या? x प्लस 4 एवं dx का मान रखने पर। अब आइए, इस x का मान कितना हो जाएगा? तो इस x को हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि x इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें देखिए अगर x को हमें निकालना हो तो कितना हो जाएगा? t माइनस 4 के बराबर हो जाएगा। तो इस एक में अगर हम इसको रखें तो कितना हो जाएगा बोलिए? I इज इक्वल टू इंटीग्रल, अब इस x के जगह पे हम रखते हैं t माइनस 4 अपॉन रूट अंडर t इंटू, अब इस dx के जगह पे हम लोग रख सकते हैं कितना? dt। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है? हमने यहाँ देखा, यहाँ तक के क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि जो कुछ भी यहाँ x के टर्म में था, उन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने t के टर्म में कर दिया। हर जगह x, dx, x जो भी था, हमने उसको t सब t के टर्म में चेंज कर दिया। अब हमें अगला स्टेप क्या करना होगा? तो हमें लिखना होगा यहाँ पे, इट्स इम्प्लाइज I इज इक्वल टू इंटीग्रल, अब क्या होगा? स्प्लिट कर देंगे, दो भागों में इसे तोड़ देंगे, तो हमें प्राप्त होगा कितना? t अपॉन रूट अंडर t dt, t अपॉन रूट अंडर t dt माइनस 4 इंटीग्रल 1 अपॉन रूट अंडर t dt। अब हमें पता है कि अगर डिवीजन होता है, भाग होता है, तो उसमें पावर घट जाता है। तो यहाँ पे t पे पावर कितना है? 1 है, और यहाँ पे t पे पावर कितना है? 1/2 है। तो अगले स्टेप में कितना हम लिखेंगे? I इज इक्वल टू इंटीग्रल t पे पावर 1 - 1/2 माइनस 4, और ये इस t को अगर यहाँ लिखे तो t पे पावर कितना आ जाएगा? 1/2, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो t पे पावर कितना आ जाएगा? माइनस में चेंज हो जाएगा, -1/2 dt। इसे हम लिखे t पावर इंटीग्रल, अब t पावर कितना आ जाएगा? 1 में से 1/2 माइनस हुआ तो यहाँ पे बचा 1/2 dt, और dt माइनस 4 इंटीग्रल, यहाँ t पावर कितना हो गया? -1/2 dt। अब फॉर्मूला से अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें तो हमें प्राप्त होगा कितना हो जाएगा? t पावर
वन बाय टू प्लस वन अपॉन वन बाय टू प्लस वन माइनस फोर इंटू टी पावर माइनस वन बाय टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाय टू प्लस वन। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा टी पावर कितना, वन बाय टू में वन जोड़े तो कितना हुआ थ्री बाय टू अपॉन थ्री बाय टू माइनस फोर इंटू टी पावर कितना वन बाय टू अपॉन वन बाय टू। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखा जाए, अब हम यहाँ देखते हैं आगे ये होगा t पर पावर कितना हो जाएगा 3 बाय 2 और यहाँ ये उलट जाएगा तो यहाँ पे होगा 2 बाय 3 इंटू टी पावर 3 बाय 2 माइनस 4 और ये 1 बाय 2 है तो 2 बाय 1 हो जाएगा 2 बाय 1 इंटू टी पावर कितना 1 बाय 2 प्लस सी। यहाँ भी सी छूट रहा है हम लोगों का, यहाँ सी लिखते चलें और अब हमें कितना प्राप्त हुआ 2 बाय 3 टी पर पावर 3 बाय 2 माइनस 8 और टी पर पावर 1 बाय 2 प्लस सी। अब हमें कुछ ऐसा यहाँ पे करना है कि यहाँ पर भी टी पावर 1 बाय 2 है तो यहाँ पर भी आ जाए तो 3 बाय 2 का मतलब होता है 1.5। तो अब इसको हम क्या करें 2 बाय 3 इंटू टी पावर 1 कर सकते हैं आई इंटू टी पावर कितना 1 बाय 2। देखिए गुना में पावर जुटता है यहाँ का पावर 1 और यहाँ का पावर कितना 1 बाय 2 दोनों अगर जुट जाए आपस में तो 3 बाय 2 के बराबर हो जाएगा। तो इसे हम इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और तब यहाँ से क्या किए 8 टी पावर 1 बाय 2 प्लस सी। अब हमें करना क्या है अगले स्टेप में कि 2 बाय 3 यहाँ से भी कॉमन ले लेना है और यहाँ से भी कॉमन लेना है, लेकिन हमें पता है कि जब यहाँ 3 बाय के रूप में है ही नहीं तो हम कॉमन कैसे लें। तो अगर कोई चीज़ यहाँ ना हो और उसे हमें कॉमन लेना हो तो हमें ठीक उसके उल्टे से गुना करना होता है, यानी कि अगर भाग के रूप में तो उसको गुना करना होगा यहाँ पे और अगर गुना के रूप में तो भाग करना होगा। तो आइए पहले हम 2 बाय 3 टी पर पावर 1 बाय 2 को कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हम इस चीज़ को कॉमन ले लिए तो यहाँ पर देखिए 2 बाय 3 तो 2 बाय 3 टी पावर 1 बाय 2 टी पावर 1 बाय 2 तो यहाँ पर कितना बच गया सिर्फ टी और माइनस, और यहाँ पे जब 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे 4 बचा और यहाँ टी पावर 1 बाय 2 तो बाहर आ चुका है तो इस 4 में हम क्या करें इस 3 से गुना कर दें तो यहाँ पे कितना बच गया 12 प्लस सी। अब हमें क्या करना है इस टी का मान हमें पुट कर देना है। तो टी का मान हम लोगों ने कितना माना था हमारे क्वेश्चन में था क्वेश्चन हमारा था एक्स प्लस 4 रूट अंडर में, यानी कि टी का मान हम लोगों ने एक्स प्लस 4 माना है। तो हम क्या करें जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ हम क्या रख दें एक्स प्लस 4 रख दें। तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा 2 बाय 3 और यहाँ इस टी के जगह पर कितना रख दें एक्स प्लस 4 पावर 1 बाय 2 और फिर यहाँ पर कितना एक्स प्लस 4 माइनस 12 प्लस सी। तो ये प्राप्त हुआ हमें 2 बाय 3 रूट अंडर एक्स प्लस 4 और यहाँ पे इस माइनस 12 और प्लस 4 में तो आपस में अगर इसको जोड़ें तो कितना प्राप्त होगा एक्स माइनस 8 और प्लस सी, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 का हल है। आशा है इस क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।